Hello friends, in the previous lecture of crop production and management, we discussed about the what is the crop and what is the types of crops mainly sown in the India. So there are two types of crops in the previous lecture, rabi crop and kharif crops, and various steps taken by the farmer for preparing the field and also providing the manure and chemical fertilizers. Here we discuss about the irrigation. Means जब farmers अपने खेतों को अपने fields को prepare कर लेता है तो irrigation का मतलब सिंचाई करता है. वो अपने plants को किस तरीके से irrigate करता है तो what is irrigation? Irrigation. It is the process of providing water to the crop field by man-made method. इंसान अपने मेथड्स के जरिए उन क्रॉप प्लांट को किस तरीके से वाटर प्रोवाइड करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन. इरिगेशन कई टाइप्स है, जैसे एग्जांपल नंबर वन, कनेक्ट कैनाल्स फ्रॉम डैम्स. कैनाल्स को डैम से कनेक्ट कर दो, फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस वेल्स. थर्ड प्रोसेस ट्यूब वेल्स. फोर्थ प्रोसेस पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा. वेरियस प्रोसेस अदर फॉर द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप फील्ड. लेकिन जो इरिगेशन हम देखते हैं किसी भी क्रॉप फील्ड को, हम जानते हैं जितने भी क्रॉप है सबके सबके लिए जरूरी है सॉइल. तो मतलब इसका ये हुआ कि जितने भी क्रॉप्स हैं उनको जो इरिगेट करते हैं दे डिपेंड्स ऑन द वेदर और क्लाइमेट और द टाइप्स ऑफ सॉइल. सो हाउ द इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर. तो द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द इरिगेशन विच डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ क्रॉप. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स irrigation depends on type of crop. हम सब जानते हैं अगर हम बात करें पैडी, तो पैडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए. तो पैडी के लिए देयर इज अ रिक्वायर मच मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. But the second type of crop is the wheat, which is required less amount of water. So आप देख सकते हो कि ये भी depend करता है कि plants जो crop है वो किस types का है, उन पर भी dependent करता है उनको water की कितनी आवश्यकता है. So that depends on the type of crops. Now second is the irrigation and types of weather. अगर हम बात करें एक कूल वेदर, दूसरी बात करें हॉट वेदर की. कूल वेदर होगा तो वहां पर सनलाइट कम होगी, मौसम ठंडा होगा, पानी कम इवेपोरेट होगा. तो ऐसे क्रॉप्स जो कि कूल वेदर में होंगे उनमें वाटर की कम आवश्यकता पड़ती है. बट दोस प्लांट व्हिच इज प्रेजेंट इन हॉट वेदर द इवेपोरेशन प्रोसेस अकर एंड द वाटर इज गोज इनटू द वाटर वेपर फॉर्म एंड गोज इनटू द एनवायरनमेंट. देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल.
So they, that type of crop requires more amount of water. So this hot water requires higher water, and cool weather requires less amount of water. Now the third factor is the irrigation and types of soil. हम सब जानते हैं कि सैंडी सॉइल जिसमें पार्टिकल की साइज बड़ी बड़ी है, सैंड्स प्रेजेंट है, उनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से जितने भी वाटर होंगे सबके सब नीचे चले जाते हैं. इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, इस सैंडी सॉइल में हम ह्यूमस मिला दें, मैन्योर मिला दें, केमिकल फर्टिलाइजर्स मिला दें, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और आराम से क्रॉप फील्ड्स को आसानी से वाटर मिल जाता है. अगर हम सैंडी सॉइल में ह्यूमस मिला दें, क्ले मिला दें, तो भी सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सैंड के टाइप्स पर भी डिपेंडेंट करता है कि इरीगेशन में कितना करना है, मतलब वाटर हमें उस क्रॉप प्लांट्स को कितना प्रोवाइड करना. नाउ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन है एक ऐसे मेथड जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं फार्मर्स के लिए. फार्मर्स ज्यादातर मेथड्स को यूज करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन. जैसे आप जानते हो कैनाल्स को हम डैम से कनेक्ट कर दें, तो डैम से पानी निकल उस कैनाल्स के थ्रू क्रॉप फील्ड में चला जाएगा. दूसरा, ट्यूबवेल से पुली सिस्टम के जरिए हम पानी को निकालें, ट्यूबवेल से निकालें, लैब से भी इरीगेट कर सकते हैं क्रॉप प्लांट्स को, और रिवर से भी कर सकते हैं, पॉन्ड से भी कर सकते हैं. तो बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड है. जैसे ट्रेडिशनल मेथड है पहला आपका कलेक्ट कैनाल सिस्टम टू द डैम. सेकेंड, वेल्स, थर्ड ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लैक्स, रिवर एक्सेट्रा. वेरियस प्रोसेस टेक्स प्लेस फॉर इरीगेशन. लेकिन इस ट्रेडिशनल मेथड्स का एक ड्रॉबैक है, जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो पुली सिस्टम यूज किया जाता है गांव में. एक और सिस्टम है, इसका नाम है राहत सिस्टम. इसमें इस तरीके से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से पानी इसमें स्टोर होकर के यहाँ पर कैनाल होता है, ये बार बार घूमता नीचे वाटर सिस्टम होता है, ये पानी बार बार उठा करके यहाँ पर फेंकते हैं, जिससे पानी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है. लेकिन ये सब प्रोसेस बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि इनसे जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है. Due to traditional method of irrigation, the fertility of soil becomes decreases. क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट, बहुत सारे सब्सटेंस को बह जाते हैं. और ये भी देखा गया है बहुत सारे जब हम पर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन से फ्लडेड भी हो जाते हैं, मतलब वहां पर बाढ़ केसेस भी आ जाती है, वहां पर प्लांट की खराब होने की संभावना होती है. तो इस तरीके से ये प्रोसेस बहुत ही सही नहीं है. अब आज के समय में जो नई टेक्निक्स यूज की जा रही है वो मॉडर्न इरिगेशन मेथड. जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड है वो है ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन व्हिच इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल.